राजधानी रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोला है और बेरोजगारों से फॉर्म भरवाया गया। साथ ही 24 अगस्त को सीएम आवास को घेराव करने का ऐलान किया है। दरअसल भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 लाख युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी जो है आज राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुंदरानी। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगार नौजवानों का बेरोजगारी फॉर्म भराने का निश्चय किया है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कल जवाहर नगर मंडल के तत्वाधान में जयस्तंभ चौक पर यह बेरोजगारी टेंट लगाया गया। आज शंकर नगर मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पे आज शंकर नगर टर्निंग पॉइंट पे बेरोजगारी टेंट लगाया। अभी एक फाफाडी में भी एक बेरोजगारी टेंट लगाया गया है और कल ही तेलीबांधा मंडल के युवा मोर्चे के साथी तेलीबांधा में बेरोजगारी टेंट लगाएंगे। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्र पटेल।